हेलो दोस्तों दिस इज अनुपम घटक हियर वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट द फिफ्थ नोट शो आज हमारे साथ मेरी बहुत पुरानी दोस्त शैलेजा सुब्रमण्यन यहाँ पे उसके बत्तीसों दांत निकाल के बैठी है और नमस्ते जी नमस्ते, कैसे हैं ओके आई होप आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं और प्लीज कमेंट करिएगा आपको क्या सुनना पसंद करेंगे आपको क्या क्वेश्चन जो भी होगा कुछ सवाल आपके दिमाग में अगर हमारे म्यूजिक फ्रेटरनिटी के रिलेटेड कुछ होगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन करें वी विल ट्राई एंड अगर हमें लगता है कि वो क्वेश्चंस आर नॉट रियली आई मीन ऑफेंडिंग टू एनीबॉडी बिटवीन अस सो वी विल श्योरली और मैं तो बहुत कुछ ऐसे पूछता हूँ विच इज़ ऑफेंडिंग बट ठीक है अभी क्या है अभी दोस्त लोग हैं तो दोस्त के साथ बट नहीं जोक्स अपार्ट आप लोग प्लीज़ कमेंट करें एंड आपके कुछ कमेंट्स पढ़े भी हम लोगों ने बहुत अच्छे लगे थैंक यू फॉर योर फीडबैक एंड लेट्स गेट बैक टू शैलजा सुब्रमण्यन ने तो वो बहुत टेम्पर उनका जल्दी लूज होता है, है तो है। <laughs> पहले कि अगर उनको गुस्सा आ जाए हम हमारा एपिसोड आज का कर शुरू करते हैं नमस्ते yes. बोलिए अच्छा शैला मुझे एक बात बोल बाय द वे आई कॉलर शैला ओके सो शैला मुझे एक बात बता एन ऑडियंस को तेरे जर्नी के बारे में बता व्हेन डिड यू स्टार्ट म्यूजिक हाउ डिड इट हैपन एंड व्हाई डिड यू टू डू म्यूजिक सब कुछ बता दे ओके आई म्यूजिक वाज नॉट देयर इन द फैमिली ओके माय दादी यूज्ड टू सिंग दी स्मॉल भजन एंड डैडी यूज्ड टू सिंग बी अ पार्ट ऑफ ऑल दोस भजन I started learning Carnatic at the age of seven from Bharatiya Music Arts Society under Meenakshi teacher. She's no more. Uh, then seven years I studied there. I learned Carnatic there, but my inclination towards Bollywood songs was a little bit more. Okay. So, घर old गाने बहुत a थे and all those things continuously those songs would be played at home. And that uh, Dad once daddy took me to. माई अंकल्स ऑफिस वे देर वॉज़ अ फंक्शन एंड माई मास्टर जस्ट उन्होंने पूछा मुझे कि विल यू सिंग सो दैट्स हाउ आई सैंग माई फर्स्ट सॉन्ग मेगा छा ए देर सो दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टिड आई देन आई जॉइंट अ ग्रुप महफिल इन विलेज रोड द ऑर्गेनाइजर इज नो मोर मैं वहाँ पे आई भांडुप भांडु भांडुप में विलेज रोड में एक महफिल करके एक देर वॉज अ ग्रुप वहाँ पे आई परफॉर्म आई वॉज इयर्स उसके बाद आई ज्वाइन गुंजन टू गुंजन महाड़ में वो भी गुंजन में आई वॉज देयर्सर्स नाइन ईयर्स रखा ना नौ साल रखा ना बहुत अच्छे से रखा आई वॉज वेरी आइट वॉज वंडरफुल वंडरफुल ओके सो तूने मतलब गुंजन के साथ बहुत ट्रैवल किया होगा yes, बहुत 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 ट्रैवल किया होगा In बस fact, में मुझे याद है हम लोग बस में ट्रैवल करते थे व्हेन आई वाज अ पार्ट ऑफ अ फिक्स ग्रुप कॉल्ड जपाटा सो यस तो वो एक्सपीरियंस है हां वो एक्सपीरियंस हेल्दी हेल्दी कंपटीशन होती थी अनुपम लाइक जपाटा कलाकार मेलोडी मेकर्स गुंजन वो टाइम में दामोदर शिवाजी मंदिर वहाँ पे सब मैक्सिमम शोज होते थे एंड टू ट्रैवल वो नाटका ची बस जैसे नो बोलते हैं ना वो स्लीपर स्लीपर बस बस हमारा खुद का बस था ओके okay?

वेरी यू नो हमेशा ऐसे यू uh, नो you know, सुरेश जी के साथ शो सुरेश वाडकर जी के साथ शो करने का मौका मिला देन उषा मंगेशकर जी मन्ना दा देन सुदेश भोसले जी आई आई गॉट वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म विथ ऑल दीज लेजेंडरी सिंगर्स इन गुंजन तो बहुत आई यूज टू फील गुड समटाइम्स देन अ uh, 90 91 92 मस्त हाँ मस्त हअब बीन 13 और 14 नॉपम हाँ uh, एक बार मैच कर ले बाद में बताना अरे 13 और 14 नहीं यार कमों यू नो दैट नाइ डों वांट टू टेल माय इयर एंड ओके इन्वेयर हाँ आई ना yeah, हाँ. उसके बाद एक्सपीरियंस कैसा था गुंजन में वेरी नाइस इट वाज वेरी नाइस एंड एवरी 31 जुलाई अशोक खरे सर के साथ uh, रफ़ी नाइट mm. होती थी वहाँ पे यू नो ऑर्गेनाइजर्स आते थे यू नो दे ऑलवेज कम एंड लिसन टू द न्यू लिसन टू एनी न्यू सिंगर दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड इन फैक्ट गुंजन ऑल्सो एट गॉन फॉर एन ऑडिशन ऑडिशन जाने के बाद यू नो आई गॉड अ चांस टू बी इन दैट ग्रुप सो लर्निंग इट वॉज़ अ कम्प्लीट रिहर्सल्स होती थी उनके डिलल रोड के घर में रिहर्सल्स होते थे

परफॉर्म विध कुस येस नो 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 एक्चुअली आई स्टिल रिमेम्बर नाइन्टी थ्री अक्टूबर की बात है इंदौर में वो शो होने वाला था पंचंदा वॉज गोडो परफॉर्म एंड मेरे एग्जाम्स थे समथिंग वॉज देर वेर डैडी डिड नॉट अलाव मी टू गो एंड आई स्टिल रिमेम्बर की वो शो में पंचमद चीफ गेस्ट एंड वहां पे माधुरी ऑल परफॉर्म्ड दे परफॉर्म्ड मुझे इतना याद है सो आई मिस्ड दैट अपरचुनिटी बट या बट इट्स और कुछ बताना वहाँ पे क्या क्या एक्सपीरियंसिस क्या, -क्या? तुम लोग करते थे क्या खाते थे क्या पीते थे नहीं नहीं बसेस में तो ऑफकोर्स बहुत सारे बट एक्सपीरियंसेस हैं गुड एक्सपीरियंसेस बैड एक्सपीरियंसेस है ऑफकोर्स वी लर्न वी टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर ऐसा कुछ आई वोंट से कि आई हैड एनी काइंड ऑफ एन अगली एक्सपीरियंस और समथिंग वो एक ही hmm. एक हुआ आफ्टर फिनिशिंग द शो इन नागपुर और नासिक आई डोंट रिमेंबर वेयर इट वॉज नॉट द ऑर्गेनाइजर्स फॉल्ट उनको भी इनफैक्ट स्टेशन आने के बाद पता चला टिकट्स you know, नहीं थे ah, yeah. बट oh, मतलब, uh, yeah. एक yeah, चीज yeah. है लॉट ऑफ यूनिटी एंड बहुत मजा आता था वो जमाने में टू यू नो सब लोग एक साथ यू नो दे गुड केयर ऑफ सो आई इट वाज गुड इवन इन दैट मोमेंट ना दे लेट मी फील आउट ऑफ प्लेस और अनकंफर्टेबल सो आई वाज़ टेकन केयर सो दैट वाज़ गुड आई विल नॉट से ये इतना अच्छा शो करने के बाद ये ट्रीटमेंट ठीक नहीं है फॉर एनी आर्टिस्ट बट देन ओके वी ऑल लर्न बट faced ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं है शशिकांत आया था उसके कि बहुत बार ऐसे होता था कि ट्रेन के टिकट हुआ नहीं करते थे रिजर्वेशन नहीं होता था फिर वो स्लीपर क्लास में फिर खड़े होके या पॉटर बैठ के और उस जमाने में तो इंस्ट्रूमेंट भी लेके आने पड़ता i mean especially artists were treated very badly very much yeah, very much abi thurasa since so many since the last uh, 13 to 14 years things have changed and yeah, yeah. things it's have changed become much better yeah yeah ओके सो आफ्टर डेट यू चॉस टू डू फ्रीलांसिंग गाइड या आफ्टर डेट आई आई चॉस टू डू फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग बट दिमाग में कभी आया नहीं कि मुझे प्लेबैक सिंगिंग करना है या ऐसे कुछ कभी आया नहीं आई डिड मीट पीपल आफ्टर आफ्टर मैरिज अराउंड टू थाउजेंड में आई स्टार्टेड मीटिंग पीपल � मुझे अभी भी याद है कि दो तीन कॉल्स के बाद यू नो आई ही कॉल्ड मी टू स्पेक्ट्रल उनका कुछ hmm. तो फिल्म चल रहा था वहाँ पे तो स्पेक्ट्रल हार्मनी में आई वॉज कॉल्ड आई सेंग अ फ्यू सॉन्ग्स देर एंड देन ही गेव मी अ सॉन्ग टू सिंग फॉर द फिल्म एंड ही सर दिस इज़ नॉट योर सॉन्ग दिस इज़ फॉर कविता जी बट यू आर डबिंग दॉन्ग एंड वो ऐसा हो गया कि वो गाना ओके हो, हो गया एंड

Uh, I got a contract with T-Series where, you know, I was singing a lot of uh, Bhojpuri uh, albums with them. for a lot of remixes, hmm. and uh, I was bored actually of singing that. So, uh, they were very good when I went and told them that I N O C. So, they were very good that N O C Okay, they didn't. Yeah, uh, they did not. They were very good in that. They understood probably that you know I want okay. to get out of uh, the contract. Okay. So, they were very good in. Uh, उसके बाद नो आई डिड नॉट इनफैक्ट उसके बाद पतकी काका अशोक पतकी काका दे हर्ड मी इन वन ऑफ द शो एंड ही मेड मी सिंग ही फर्स्ट ट्राइड अ जिंगल विथ मी वो जिंगल के बाद ही धमाल मराठी में बेस्ट okay. एक्सपीरियंस मेरे लिए सो हाउ डिड यू इन शंकर महादेवन जी शंकर जी अगेन आई कांटेक्टेड आई कांटेक्टेड शंकर जी वंस वेयर अगेन इन स्टूडियो उन्होंने मुझसे एक uh, चार लाइन गवाया उसके बाद ही कॉल्ड मी फॉर हिस्ट शोज सो थ्री इर्स आई हेड अ वेरी गुड टाइम विदिंग एंकरेज यू टू नो टू क्रिएट मतलब वो जब आते हैं तो इतना पॉजिटिव यू नो ही कम्स विद्प्लीट पॉजिटिविटी एंड ही लेट्स एवरीबडी Uh, he takes everybody with him you know that's right. the plus point in him right. and uh, ko, uh, confidence nahi hoti when he's on stage we are not that confident you know uh hmm. say to change and sing but he makes you feel comfortable and suddenly he changes and yeah. takes everybody in that groove so actually all three of them even Esan and loy they, they both are also like that i mean they all three carry that uh, aura of positivity because of you know? know it because you know yeah, you're because, working because i have also experienced that oh, kabi they won't uh, put you down no in any never, way. never, never 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 yeah. never and the best thing is even if i'm not in the group wherever i am he greets you and अच्छा मुझे एक बात पता शंकर जी के साथ सुने सब बड़े लोगों के साथ मोस्ट ऑफ देम विदना था ऑल्सो यू सुदेश कभी तूने ये नहीं सोचा कि इतना सब करने के बाद बेसिकली एक्सपीरियंस तो ते, तेरे पास इतना आ गया मिल गया इतने साल से गा रही है तू इट मस्ट बी अराउंड क्या <laughs> नहीं, नहीं, नहीं इतने साल से तू शैला गा रही है तुझे इतना एक्सपीरियंस तेरे पास इतना इकट्ठा हो गया होगा तू शंकर जी के साथ गाया तू ने सुरेश वाडकर जी के साथ गया सुदेश भोसले जी मन्ना था yeah. मतलब सबके इवन मतलब इतने सारे शोज फिक्स ग्रुप में काम किया तूने फ्रीलांसिंग शुरू किया उसके yeah. बाद तूने कभी ऐसा सोचा नहीं कि अभी मुझे खुद का मैं कुछ बैंड बनाऊँ कुछ और खुद का कुछ एक प्रोडक्ट बनाऊँ शो के लिए मैं अकेले सिंगर एज लीड सिंगर खुद अकेले एंड खुद का ऐसा बैंड बनाना कभी दिमाग में आया नहीं तुझे सोचा मैंने इनफैक्ट फैक्ट मैंने हमेशा प्रपोजल भी दिए नो इन अहमदाबाद आउट ऑफ मुंबई जहाँ पे भी आई यूज टू फर्स्ट यू नो कीप अ प्रपोजल की कैन आई हैव माई ओन म्यूजिशियंस So no, no. ah. लो, सात लोग या आठ लोग या पंद्रह लोग जो भी है ऐसा करके तूने अपना प्रोडक्ट ऐसा अपना शो सेल करने का कभी सोचा नहीं नहीं ऐसा आई डेंट प्रॉबेबली वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला लेकिन सोलोज okay. वैसे बहुत हुए हैं बट

आई uh, थिंक सब धीरे धीरे आई थिंक होगा uh, अगर होना है तो ओके okay. सो so, और तूने कभी ये भी नहीं सोचा uh, कभी कंपोज करो ऑफकोर्स अभी तूने दो गाना किया जिसमें मैंने भी काम किया है बट ये जो मैं पूछ रहा हूँ क्यों उस टाइम पे जब तू फ्रीलांस करना शुरू कर दिया तो ये कंपोज करने का ये कब आया दिमाग में करने That, का आई शुड स्टार्ट कंपोजिंग

आई वो वो टाइम में अफकोर्स आई वॉज परफॉर्मिंग विद सुरेश जी वॉज परफॉर्मिंग विथ ऑल द वेटरस बट सुरेश जी के अकेडमी में टू गो एंड पे एंड एनरोल माई सेल्फ आई डेंट वॉन्ट टू ट्रबल माई फादर बिकॉज वो टाइम में इतना पेमेंट भी नहीं था अनुपम वेर यू नो आई कुड एनरोल माई सेल्फ यू नो अवॉट पेमेंट मिलती थी वो टाइम में तो आई डेंट वॉन्ट टू ट्रबल माई फादर आई वॉन्ट टू अर्न एंड देन गो फॉर अ क्लास विच प्रोबली शादी के बाद आई वेंट टू विकास भाटोडेकर सर आई मीन यू इंट्रोड्यूस्ड मी उसके के बाद वहां पे सिर्फ वॉइस कल्चर सिखाते थे यू नो हाउ टू सिंग कैसे गाने को जो प्रोजेक्ट करना चाहिए एंड ऑल दीज थिंग्स असली लर्निंग माई स्टार्टेड वॉज वेन आई वेंट टू गौतम मुखर्जी दा अगेन यू टोल्ड मी तुझे वहां पे सीखना चाहिए सो वेन आई वैन देर ऑब्वियसली आई वेन देर यू हर्ड माई वॉइस एंड आई वॉज अ लिटल टेंड कि मैं उनके जो होमवर्क uh, uh, है मैं वो कर पाऊंगी या नहीं बिकॉज उन्होंने मुझे ये बोला था कि माई लेसन्स विल बी वेरी टफ ओके ओके एंड मैं गाना नहीं सिखाऊंगा मैं आई एल बी टीचिंग यू द न्यूंसिस जो म्यूजिक में है जो उसके जो हाव भाव है हाउ यू आई मीन यू हैव टू इम्प्रोवाइज जो तुम डरती हो लाइक यू नो सो ही स्टार्टेड किंडलिंग मी एंड यू नो लिटरली व्हेन ही वॉज ऑल्सो नॉट कॉन्फिडेंट जो उन्होंने मुझे फर्स्ट लेसन दिया था वैन आई डिड दैट एंड आई वेंट he said ki now i'm confident ki i can go out, go a step further with you hmm. so that's how my learning as in he was not confident uh, whether you would be able to yeah, do it Yeah, okay, yeah. he okay, was okay. not he was not but the patience in him to you know try and uh, you to know what i'm good in and what i can do that has in fact given me a lot of encouragement

एंड वो ट्यून को जोड़ के अंतरास वेन आई हैड टू मेक इट टूक मी टाइम बिकॉज आई वॉज डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स नॉट दैट एकदम झटपट से हो गया लाइक अ बेटर इन नो इट वॉज दिस इज समथिंग न्यू तो ये सीख सीख के लाइक वैन यू नो यूर लर्निंग फ्रॉम समबडी वो अल्टीमेटली वो चीज एंटर रिफ्लेक्ट होता है वैन यू आर लर्निंग फ्रॉम अ गुरु एंड ही ट्राइज टू यू नो गिव यू लेसन्स देन यू ट्राई टू मेक

स्पेशली म्यूजिशंस लोग तेरे साथ स्टेज पर बहुत मस्ती मजाक करते हैं एंड आई हैव दैट कभी तू ने उसको उल्टे तरीके से लिया नहीं यूज लाइक यू नो हाँ नहीं मस्ती तो यू आर पार्ट ऑफ दैट मस्ती सो वॉट डू यू वॉन्ट टू टेल अबाउट दैट मस्ती सिर्फ अपने लोगों के साथ होता है पीपल हुई सीन यूंग्रोइंग कभी ऐसा आई हैव नेवर फेल्ट बैड अबाउट दैट तू भी hmm. बहुत मस्ती करता है एंड म्यूजिशियंस नहीं नहीं एंड बिलीव मी म्यूजिशियंस हू नो मी यू नो दे हैव ब्लेस्ड मी ऑलवेज मस्ती सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जिसके साथ आप कर सकते हो

चल रहा है तो टू चेंज द टेम्पो इमिडेटली सो वो वो मजाक ये मस्ती तो हमेशा करता है कि वेन द सॉन्ग इज़ ऑन सडनली यू नो ही चेंजेज़ द टेम्पो बट ठीक है प्रैक्टिस भी हो जाता था बिकॉज इंडियन आई मीन इन ऑल द कॉम्पिटिशन्स में वो ताल राउंड जो होती थी वेर वी डेंट नो कि ताल बदलने वाला है तो ये तभी से वो प्रैक्टिस देना शुरू कर दिया इसने <laughs>

हुआ है क्या तेरे साथ एज अ वुमन मतलब इट है नॉट ओनली इन द फिल्म फ्रेटर्निटी और म्यूजिक फ्रेटर्निटी सब जगह इवन कॉरपोरेट्स में भी होता है बट एज एन इंडिविजुअल तेरे को पर्सनली ऐसा कुछ अनप्लेजेंट uh, एक्सपीरियंसिस uh, हुआ है क्या बोला